बचपन में वहां किसना आते थे आप देख रहे थे वक्त हो गया। महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कड़ी पाबंदियों की घोषणा की। ऐसे में मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए घरेलू कर्मियों का संकट गहरा गया है। वासियों को चिंता है कि उनके घर पर काम करने वाले पहुंच पाएंगे या नहीं। इस बात की जानकारी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चांद ने दी। हालांकि उन्होंने घरेलू कर्मियों को काम करने के लिए हरी झंडी दे दी है, साथ ही बताया है कि इसके संबंध में गाइडलाइंस को भी जारी किया जाएगा। चौहान ने कहा है कि क्या मेरे घर में काम करने वाले आएंगे, जब से जनता कर्फ्यू की घोषणा हुई है तब से ही मुंबई का मुझसे यह सवाल कर रहे हैं। मुझे इसके संबंध में कई कॉल्स भी मिले हैं, उन्होंने जानकारी दी कि बीएमसी इसके संबंध में गाइडलाइंस भी जारी करेगी। साल 2016 में हुई एक स्टडी फीमेल माइग्रेंट्स इन इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि 54.9% प्रवासी महिलाएं घरेलू कर्मचारी के तौर पर काम कर रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए राज्य के सामने आए सीएम ठाकरे ने जानकारी दी है कि कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को छूट जरूर दी जाएगी। उन्होंने बताया था कि पाबंदियां 14 अप्रैल को रात 8 बजे से शुरू होकर 1 मई को सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि वे इस दौरान नई पाबंदियों को लॉकडाउन कहने से बचते रहे। आबादी के बड़े तबके पर पाबंदियों के प्रभाव को कम करने के लिए सीएम ने राहत पैकेज की भी घोषणा की है। सीएम ठाकरे ने कहा है कि सरकार अगले 1 महीने तक गरीब और जरूरतमंदों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देगी। सीएम बुधवार को कोविड स्थिति की समीक्षा करने के लिए जिला कलेक्टर्स के साथ भी बैठक करेंगे। राज्य में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। बीते कई दिनों से रोज मिलने वाले कोविड-19 मरीजों की संख्या 50,000 के ऊपर बनी हुई है, जो सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो एक बार ऐसी खास खबर की भाई ले जाने से।